कि आजम ने सुरक्षा क्यों छोड़ी? सरकार के खिलाफ आर पार के तेवर दिखाना मकसद था? नहीं झुकने वाले नेता की इमेज बनाना मकसद था? साफ संदेश देना चाहते हैं कि सरकारी सुरक्षा की चाहत नहीं है? अपने सियासी कदम की खबरें लीक होने का अंदेशा? सुरक्षा के तामझाम से ऊब गए हो? समर्थकों को संदेश कि मैं डरने वाला नहीं हूं? ये तमाम अटकलें लग रही हैं आजम की सुरक्षा वापस करने को लेकर। आजम खान सपा के धुरंधर रणनीतिकारों में से एक रहे हैं। वो जिस आक्रामक अंदाज में अपनी बात रखते हैं उसी अंदाज में वो रणनीति को बदलना भी जानते हैं। यही वजह है कि आजम के साथ ही अब्दुल्ला ने भी अपनी सरकारी गनर से तौबा कर ली। आजम ने अपने सुरक्षा कर्मियों को खुद वापस जाने को कहा तो अब्दुल्ला ने इनसे दूरी बना ली। अब्दुल्ला भी चाहते तो गनर से खुद वापस जाने को कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आखिर क्यों? अब इसको भी समझिए। रामपुर का लापता दाव से कहा जा रहा है। पुलिस का दावा 22 सितंबर से ही अब्दुल्ला गायब है। अब्दुल्ला और उनके ड्राइवर का मोबाइल बंद है। घर में पूछने पर भी अब्दुल्ला की लोकेशन नहीं बताई जा रही है। क्या अब्दुल्ला पुलिस की नजर से दूर रहना चाहते हैं? दूरी बनाने की वजह गिरफ्तारी की आशंका तो नहीं? जौहर यूनिवर्सिटी में छापे के बाद क्या आशंकाओं में है अब्दुल्ला? ये तमाम वो बातें हैं जो रह रहकर उठ रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।